एक समय था इसी ग्वालियर में जब मैं 25-27 साल पहले इस बात के लिए लोगों के आसपास घूमता रहता था कि ये बताइए कि यूपीएससी की तैयारी की कैसे जाती है, क्या होता। उस समय तो आपको पता है बेटा, मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे और ग्वालियर चंबल संभाग से यूपीएससी देने वाले जो बच्चे थे, आईएएस देने वाले बच्चे थे, उनकी संख्या भी ना के बराबर थी और मैं किसी को नहीं जानता था। मैं घूमता रहता था कि भाई कोई मुझे बताए कि आईएएस कैसे निकालते हैं, ये आईएएस बनते कैसे, कलेक्टर कैसे बनते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा एक साल सिर्फ इस बात में गुजर गया कि मैं ये पता ही नहीं लगा पाया कि यूपीएससी का कैसे तैयारी की जाती है, क्या सिलेबस होता है, कैसे हम उसको तैयार करते हैं। क्योंकि यूपीएससी का कभी सेंटर ग्वालियर नहीं था, अभी 2-3 साल पहले से पढ़ने लगा। इससे पहले तक केवल कैपिटल में इसके सेंटर हुआ करते थे। और दूसरी बात ये कि यूपीएससी का कुछ भी कहीं मैटर मिलता नहीं था, यहाँ के लड़के कभी देते नहीं थे बुक्स, कोई कॉम्पिटिशन की थी नहीं ग्वालियर में, और जो भी छोटे मोटे एकाध कोचिंग थी वो केवल ये सिपाही एसआई की तैयारी कराते थे बस। तो मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा इस चीज के लिए, और जब मैंने इस चीज को जाना, मैंने कहा ऐसी चीज आपके लिए है क्या। तो फिर मैंने स्वतः से ढूंढ जान करके एक दो लोगों को देखा जो यूपीएससी तैयारी करे थे, वहां से सिलेबस लेकर के आए, उनसे पूछा जो पीएससी की तैयारी कर रहे थे कि भाई ये यूपीएससी क्या है। और देखिए, इस सब प्रक्रिया में बहुत लंबा समय मेरा निकल गया और आप ये जानिए कि मैं उस समय से 2-3 साल मेरे केवल इसी में निकल गए कि मेरे को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया, इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद भी मैंने यूपीएससी में क्लियर मैन सब क्लियर किया और कभी कोई कोचिंग नहीं मिल पाई क्योंकि कोई कोचिंग थी। अगर कभी ऐसा होता उस समय बेटा कि अगर कहीं कोई इस तरह का संस्थान होता, कोई कोचिंग होती, कोई मार्गदर्शक होता जो ये बता सकता है कि आप भी इस काम को ऐसे कर सकते हैं, आपके इतने सारे रास्ते हैं,